एपिसोड 7 स्टार्टिंग में हमें इन्हें सबको दिखाया जाता है, येलो हेयर वाली एमसी का हाथ पकड़कर भगते हुए इसे लेकर जा रही होती है। जाते हुए एमसी एक क्लास में देखता है और वहां पर एक लड़की को देखती हुए इसे शौक लगता है और आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट दिन में एमसी दोबारा उसी क्लास की बाहर खड़ा होता है और एमसी अंदर जाकर उसी लड़की को ढूंढ रहा होता है। वहां पर एक छोटी लड़की कहती है, वेलकम, तुम्हारा नाम क्या है? एमसी से अपना नाम बताता है और ये कहती है, या केमिस्ट्री लैब है, और अपना नाम कसूरी योकुजेन बताती है, या इसे एक ड्रग ऑफर कर रही होती है। उदी बाबा, या क्या बोल रहा है? ड्रग भाई, वह एक केमिकल है भाई, मुझे तो वह फंकने वाला ड्रग ही लग रहा है। गांजा गांजा गांजा, इस आवाज को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, इसका एनिमे नहीं बना। और भाई, मुझे इस लड़की का नाम नहीं याद रहेगा, तो हम इसे लल बलो वाली कहेंगे। लल हेयर वाली एमसी को तब भी वह बोतल पकड़ा देती है। एमसी इसको कहता है, मैं क्लब ज्वाइन करने नहीं आया, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। लल हेयर वाली कहती है, यहाँ देखो मत। और एमसी कैसा है, या तो मेरी बात हुई नहीं सुन रही, और बेड में एक जगह पर बैठकर इसकी ड्रिंक पीने लगता है। इसके पास आकर रहती है, मैंने एक और चीज बनाई है, असल में मैग्नेट, हर मेटल वाली चीज को अपनी ओर खींचते हैं। अगर यह ड्रिंक पी लेगा, उसकी बॉडी भी मैग्नेट वाली हो जाएगी। और इसे यह पीने को देती है। एमसी कहता है, मैं नहीं पी रहा। लाल हेयर वाली इसे जबरदस्ती पिला देती है और एमसी कहता है, मेरी बॉडी सच में मैग्नेट वाली हो गई। लाल हेयर वाली कहती है, या मेरी ड्रग की पावर है, और कुछ दिन तक तुम्हें कब्जे रहेगी तो तैयार रहाना। और लाल हेयर वाली कहती है, अगर मैं तुम्हारे ऑपोजिट वाली ड्रग पाई लूंगी तो यह पी लेती है और यह दोनों चिपक जाती हैं। और लाल हेयर वाली कहती है, अगर मैंने तुम्हारे जैसी सेम ड्रिंक पी लेती तो हम अप टू डाउन हो जाते। एमसी कहता है, यह बताना जरूरी नहीं था। एमसी अपने मन में कहता है, यह कौन अडोरेबल एंजल है। लाल हेयर वाली कहती है, इसका टाइम सिर्फ 10 मिनट का है। और कहती है, मुझे टॉयलेट जाना है। एमसी कैसा है, क्या यही पर कर दोगी? लाल हेयर वाली कहती है, कोई बात नहीं, मैं डायपर पहनती हूँ। और कहती है, अब मैं और नहीं रोक सकती। और हमें एमसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, 10 मिनट बाद या दोनों अलग हो जाते हैं। और कहती है, अब मैं और नहीं रोक सकती। और हमें एमसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, 10 मिनट बाद या दोनों अलग हो जाते हैं। लाल हेयर वाली एमसी को कहती है कि तुमने देखा, केमिस्ट्री अमेजिंग है, मुझे ड्रग बहुत पसंद है। एमसी अपने मन में कहता है, इसे सच में यह चीजें पसंद है। वियता मिनट, मुझे यह अच्छी क्यों लग रही है? मैं तो अपनी सोलमत धुंधने आया। मुलल हेयर वाली कहती है, मुझे पता है तुम मेरी सुंदरता पैर मार रहे हो। एमसी कहता है, तुम्हें कैसे पता? और वह कहती है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक लव वाली ड्रिंक पिलाए है। और कहती है, एमसी आई लव यू। एमसी इतना सुनकर साइड पर उल्टी करने लगता है। लल हेयर वाली अपने मन में रहती है, या मुझे पसंद नहीं करता, और यह देखकर रोने लगती है। एमसी कहता है, मैं तुमसे प्यार करूं, वह भी एक दर्द से, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। और उसकी बॉडी में बहुत अजीब तरह बर्ताव करने लगती है। लाल हेयर वाली रहती है, लगता है दर्द का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही हो गया। और इसे कहती है, एमसी यह पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। एमसी से पिया भी नहीं जा रहा होता। लाल हेयर वाली कहती है, अब कोई रास्ता नहीं, या खुद ही ड्रिंक पीकर एमसी को किस करते और पीला देती है। और थोड़ी देर बाद एमसी ठीक भी हो जाता है। लाल हेयर वाली कहती है, अब यह केमिकल का असर खत्म हो चुका है। एमसी कहता है, फिर तुम मुझे अभी भी सुंदर क्यों लग रही हो? यह सुनकर यह दोनों ही शर्माने लगते हैं। लाल हेयर वाली अपने मन में कहती है, शायद केमिकल ने एमसी पर असर ही नहीं किया, क्योंकि एमसी तो पहले ही मुझे पसंद करता है। और यह नीचे झुककर एमसी को कहती है, आई लव यू, प्लीज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। एमसी कहता है, प्लीज अपना सर ऊपर करो। और उसी टाइम पर लाल हेयर वाली की बॉडी बड़ी होने लगती है, और यह वही लड़की निकलती है जो एमसी ने कल देखी थी। एमसी हैरान हो जाता है और यह कहती है, असल में मैं ऐसी दिखती हूँ, शायद मैंने जो ड्रग तो मैं दिया था वो मेरी बॉडी में भी चला गया। वैसे एक ड्रग के कारण से मैं ऐसे छोटी हो गए। मैं अपने इस रूप में आ तो सकती हो, पर सिर्फ एक घंटे के कम टाइम में। मैं असल में मेन थर्ड ईयर की स्टूडेंट हो और केमिस्ट्री क्लब की प्रेसिडेंट हूं। एमसी फिर मन में कहता है, सीनियर। और यह कहती है, यह बॉडी में थोड़ी अजीब लगती हो। और एमसी यह सब सुनकर हैरान हो जाता है और नीचे झुकते हुए इसे कहता है, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हूँ। वेट 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 वेट, बड़े वाटरमेल देखे नहीं। लौंडा वर्ष में आ जाता है और एमएल को हग करते हुए कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई, एक मिनट मुझे अपना डायपर चेंज करना है। एमसी कहते हैं, ऐसा बनने के बाद डायपर की बात मत करो। नेक्स्ट सीन में फिर से एमसी छत पर होता है, इनको लाल हेयर वाली के बारे में बता रहा होता है और कहता है, क्या मैं लाल हेयर वाली को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ? येलो हेयर वाली कैसी है, अपने बारे में और बताओ। लाल हेयर वाली कहती है, मुझे ड्रग्स बहुत पसंद है। येलो हेयर वाली एमसी को कहती है, क्या यह नॉर्मल है? लाल हेयर वाली कहती है, मैं सभी
के लिए ड्रग्स ले हूँ, येलो हेयर वाली के लिए ब्रेस्ट बड़े करने वाला ड्रग। येलो हेयर कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? लाल हेयर वाली कहती है, या नहीं तो ट्विस्टेड फिट मेडिसिन। और कैसी है, तुम क्या बोल रही हो? लाल हेयर वाली कहती है, तीसरी एक और मेरे पास मेडिसिन है। येलो हेयर वाली कहती है, गुस्सा होते हुए कहती है, मेरे बारे में तुम्हें कौन बता रहा है? लाल हेयर वाली कहती है, मुझे यह सब एमसी ने बताया। येलो हेयर एमसी को मारने लगती है। लाल हेयर वाली कैसी है? पिट एमसी ने कहा था येलो हेयर वाली चे और बहुत सुंदर दिखती है। और येलो हेयर वाली यह सुनकर एमसी से माफी मांगने लगती है। लाल हेयर वाली पिंक हेयर को कहती, मैं तुम्हारे लिए हॉट स्टेप मेडिसिन पिंक हेयर। अपने मन में सोचाती है, मैं एमसी को और भी अट्रैक्ट कर पाऊंगी, और यह इसे पी लेती है। और थोड़ी देर बाद इसके कपड़े ही मेल्ट होने लगते हैं। लाल हेयर वाली रहती है, इसासे कपड़े लाइट हो जाते हैं, और एमसी यह देखकर अपने कपड़े पिंक वाली को दे देता है। पिंक हेयर कपड़े पहनाते हुए सोचाती है, इसमें तो एमसी की पसीना स्मेल आ रही है। लाल हेयर वाली छोटी गर्ल को मेडिसिन देती है और उसके लंबे कान आ जाते हैं। एमसी ये देखकर इनको टच करने लगता है। छोटी गर्ल को भी यह महसूस होती है और एमसी उसके कान को गुड़गुड़ी करने लगता है। लाल हेयर वाली एआई को हेयर कंट्रोल करने वाली मेडिसिन देती है। एआई से पिकर एमसी को पकड़कर किस कर लेती है। एआई कहती है, मुझे यह बहुत अच्छी लगी। एमसी कहता है, मुझे भी लाल हेयर वाली कहती है। इसका टाइम सिर्फ 10 मिनट तक है, अगर दूसरी बार भी पी लेती हो इसका असर हमेशा तक रहेगा, पर तुम्हारे बल भी झाड़ सकते हैं। एआई कहती है, कोई बात नहीं, बलों से प्रॉब्लम होती है। एमसी कहता है, प्लीज तुम ऐसा मत करना, मुझे तुम्हारे बल बहुत अच्छे लगते हैं। एआई कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में यह सब एक जगह पर बैठकर चाय पीते हैं। येलो हेयर वाली कहती है, अगर मैं बड़े ब्रेस्ट वाली मेडिसिन पी लेती कैसी लगती? लाल हेयर वाली कहती है, ऐसी। और कहती है, वेट अ मिनट, मुझे टॉयलेट जाना है। कहती है, कोई बात नहीं, मैंने डायपर पहना है। एमसी कैसा है, तुम्हें चली जाना चाहिए। और यह जनू लगती है। पिंक हेयर कहती है, मैं सब कुछ है दल देती हूँ। लाल हेयर वाली कहती है, एमसी के लिए अलग है और बाकी लड़कियों के लिए अलग है। एमसी कहता है, क्यों? और यह कहती है, बस तुम सबके लिए अलग अलग चाय है। इतना कहकर वहां से भाग जाती है पिंक हेयर। इन्हें दोनों बोतल को देखकर कहती है, शायद बड़ी वाली लड़कियों के है और छोटी वाली एमसी के लिए है। और थोड़ी देर बाद जब लाल हेयर वाली वापस आ जाती है, तब वह चाय पीने वाली ही होती है। कहती है, यह चाय तो एमसी के लिए थी। और उठकर सबको कहती है, इसे बाहर निकालो। एमसी कहता है, यह सिर्फ चाय ही है तो इतनी फिक्रा क्यों कर रहे हो? लाल हेयर वाली कहती है, इस चाय से किसी को भी किस करने लगते हो। और लाल हेयर वाली कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किस करो, इसीलिए मैंने यह चाय बनाई। एमसी कहता है, मुझे किसी चाय की जरूरत नहीं है तुम्हें किस करने के लिए। और लाल हेयर वाली इसे पकड़ कर हग कर लेती है, और एमसी को किस करने वाली ही होती है। उसे टाइम पर पीछे से येलो हेयर वाली आ जाती है और लाल हेयर वाली को पकड़ कर पीछे फक देती है। और यह सब लोग एमसी की और बढ़ रहे होते हैं। लाल हेयर वाली कहती है, नहीं फिर से गड़बड़ हो गए। और एमसी को वहां से भागने के लिए कहती है, और कैसी है, यह मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। एमसी कहता है, क्या तुम चाहती वो मैं ऐसा? लाल हेयर वाली कहती है, नहीं, यह लड़कियों पर मेडिसिन साइड इफेक्ट करता है, यह असल में एक किस ज़ोंबी बन चुकी है। एमसी अपने मन में कहता है, यह तो कमाल की बात है। लाल हेयर वाली कहती है, अगर हमने इनको टाइम से मेडिसिन नहीं दी ठीक करने के लिए, तो यह हमेशा के लिए ऐसी ही रह जाएगी। एमसी कहता है, कितना टाइम? लाल हेयर वाली कहती है, 1 घंटे में मेडिसिन देनी होगी। एमसी कहता है, यह तो बहुत कम टाइम है, और यह सब लोग इन्हें पर अटैक कर देते हैं।